क्या कुछ आप कहना चाहोगे दिस सीजन, क्या कुछ नया अलग देखने मिलेगा सिटी? मैं नहीं हूँ इस शो पे पर ये शो इज़ अबाउट द कंटेस्टेंट्स और हमेशा ही टैलेंट शोज हैव बीन अबाउट द कंटेस्टेंट्स और पिछले दो सीजन में ऐसे लोग चूज हुए हैं तो ये सीजन इज गोइंग टू बी इवन मोर धमाकेदार मोर स्ट्रेसफुल आई वुड से और मुझे लगता है कि जैसे इन दोनों की बातें सुन के मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल और ज़्यादा प्रिपेयर होके आ रहे हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इन्होंने देख लिए हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे वो एक्सपीरियंस पूछिए इनसे. It was amazing. So normally I do kids shows and you know बच्चों के साथ you have to be careful what you say. तो इसमें मजा ये आता है कि मैं थोड़ा ज्यादा खुल के बोल सकती हूँ. हमने तोड़ दिया है इनको. क्योंकि बच्चे नहीं है तो you don't have to be so careful कि मैं क्या बोल रही हूँ. You have to be but you know how it is you don't have to nurture it so much. तो बड़े बदमाश style. हाँ थोड़ा सा बदमाश मजा आ जाता है. That's true. और दोनों बदमाश है ना जो साथ में तो बदमाशी थोड़ी निकल आती है. बहुत बदमाश है दोनों. नहीं नहीं आई एम वेरी सीरियस है. ओह रियली? ओके टेल मी सर आप कुछ कहना चाहेंगे कितने एक्साइटिंग होने वाला है ये ऑडियंस के लिए इस बार और आप कितने एक्साइटेड हैं? यू नो मेरे कितने मिनट का स्लॉट है पहले ये बताओ. ए लंबा बोलना लंबा लंबा बोलना बेबी लंबा. हां लंबा बोलो. ओके विस्तार में बोलिए. विस्तार में नहीं संक्षिप्त में बोल कहूँगा कि तीन एवरी टाइम जब सीजन थ्री आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जो पहले सीजन में जो डांसर्स होते हैं बोलते हैं कि यार कौन सा शो होगा कैसा होगा देखेंगे. फिर जब शो पॉपुलर होता है सीजन टू में पॉपुलर जनरली होता है और ये इस बार ये ऐसी हुआ है. ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है 10 साल 12 साल में कि इट्स ऑलवेज अ सीजन टू दैट कम्स सुपरबली पॉपुलर एंड सीजन थ्री वी गेट डांसर्स हु आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू देम. तो इस बारी सीजन थ्री में हमें ऐसे यू नो कमर कसके हुए डांसर्स आए हैं जिनको कुछ सिखाना नहीं था. नौसी के एक भी नहीं आए. सब सीख कर आए थे. सबको पता था कि क्या करना है किसी की मतलब. इट वॉज रियली हंटिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. इट वॉज नॉट इंडियाज बेस्ट डांसर. इट वॉज रियली फाइटिंग फॉर इंडियाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स बिकॉज कोई जो वीक है आया ही नहीं. इनको पता था कि शो का लेवल क्या है. So that was very exciting. That was also challenging for us. Very challenging. Because it was very emotional. Because we were like, अरे यार इसको कैसे जाने दें? इसको भी रख लो. उसको भी रख लो. इसको भी रख लो. अच्छा था ना वो एक घंटे का जो fight हुआ अंदर. Oh my god. किसको रखना है? ओ नहीं पता ना था. ऐसा होगा. So I'm very excited for the kids and लोग पूछते थे कि इतने सारे shows क्यों होते हैं dance के? But हमारी जो आबादी है 130 करोड़ की एंड हमारे देश में इतने सारे डांस स्टाइल्स ऑलरेडी फेमस हैं. सो हमारा डांस से काट लगा डांस और म्यूजिक का लगा बहुत है एंड इन बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा सो हाउ विल दे ग्रो? दे हैव दे आल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि शोज होने चाहिए बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर सो पैशनेट और वो ऐसे ऐसे डांसेस नहीं है कि अपने शौक के लिए सीख रहे हैं. दे आर गिविंग देयर एंटायर लाइफ टू दिस. तो उनको थोड़ा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे इनको रिकॉग्निशन मिले. तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है और लोगों को मजा भी आ रहा है एंड इट्स सो अमेजिंग. इट्स इंस्पायरिंग. ऑनेस्टली इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू जज अ शो लाइक दिस बिकॉज द किड्स आर सुपर टैलेंटेड. एक्चुअली अगर देखे सॉरी नो नो एक्चुअली अगर देखे तो आई वाज शॉक्ड. इस किस्म का टैलेंट है कि मुझे तो लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल शो पे इन बच्चों को भेज दो. दे आर गोना विन द प्राइस. दे आर दैट गुड. यू नो इतने अच्छे हैं. एक तो मैं लेके जाऊंगा इस साल. I promise you for the winner last season. Huh. Vienna. Vienna. Ah, yeah. Okay. So if she's not in the show, she's a winner. She win who? She won, no? The show. Soumya, are you taking and going? Oh, nice. इतने सारे जब टैलेंटेड लोग रहते हैं और आपने कहा जैसे कि सभी बेस्ट हैं तो ये कितना मुश्किल होता है कि एक या दो जन को चुनना हो उन सारे बेस्ट लोगों में से एक विनर या फिर दो विनर को चुनना. मैंने कहा ना आपको हमने तोड़ दिया इनको. वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कलिंग रूम में क्योंकि हम मार्क्स देते हैं मेगा ऑडिशन में पहुँचने के बाद वो मार्किंग कभी कभी 0.5 और वो नॉट हैविंग दैट 0.5 उसके ऊपर झगड़ा होता है. झगड़ा नहीं होता बट एक डिस्कशन डिबेट ज़रूर होता है किसको रखना है किसको नहीं रखना है. और इस बार इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा शी जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ दैट बोर्ड एंड शी सेड ये पक्का हम लोग नहीं ले सकते. इनको भी जाना पड़ेगा बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आपके पास जब 40 होते हैं आपको 40 में से मतलब ऑफकोर्स आते हैं बहुत
बड़े नंबर्स में आते हैं बच्चे, वहाँ से 100, 100 से 40, 40 से फिर 12 चुनना। इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी कि 25 कर दो, 20 कर दो, प्लीज कुछ तो कर दो, बढ़ा दो कुछ। हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि अगर 20 और 25 हो जाएंगे तो हमारा जो टेन्योर है काम करने का वो लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सोनी टेलीविजन ने कहा कि भाई अपने इच्छाएं अपने पास रखो, टॉप 12 ही चूज करने हैं, तो हम 12 चुन के अब बैठे हैं। बट इट वाज अ गुड डिस्कशन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू आल्सो स्पीक अबाउट इज दैट बहुत लोग सोचते हैं कि हम किस तरीके से चूज करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। एक डिसीजन फैक्टर होता है कि स्टाइल्स आर वी इक्वली रिप्रेजेंटिंग ऑल स्टाइल्स, क्योंकि एक ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हिप हॉप या कंटेम्प्रेरी या बॉलीवुड या क्लासिकल। वी नीड टू शो इंश्योर कि हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल स्टाइल्स वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। फिर देन वी सी कि अच्छा ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं। समटाइम्स वी गेट अ लॉट ऑफ गुड टैलेंट फ्रॉम मेट्रो सिटीज एंड दे इन फैक्ट वेरी गुड, दे शुड बी इन द शो, बट वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन और टू बिकॉज वी वॉन्ट टू इंश्योर कि जो यू नो गाँव से आए हैं, जो यू नो छोटे शहरों से आए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश देखता है। मेट्रो सिटी में वैसे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सीखने के क्लासेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन आई थिंक जितने छोटे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे आई थिंक दे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। सो द चैनल ऑलवेज सेज कि सबको अपॉर्चुनिटी दो और इक्वल रिप्रेजेंटेशन करा दो। यू नो गर्ल्स को भी थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देना बिकॉज यू नो दे डोंट गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। सो देयर सो मच वी आर थिंकिंग कि इस बारे में कि लड़कियां हैं ना हमारे पास काफ़ी अच्छा, क्लासिकल वाले हैं कि नहीं। सो वी हैव टू एंश्योर कि क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या यू नो कंटेम्प्रेरी का रिप्रेजेंटेशन, हिप हॉप का रिप्रेजेंटेशन इक्वली होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए इन दैट सेंस। एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ पीपल। लेकिन ऐसे नहीं है कि उस केस में कि उस डाइवर्सिटी के चक्कर में टैलेंट नहीं मिस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैलेंट जरूरी है, दैट इज द बिगेस्ट ऑन दिस पैनल, बिकॉज हम ना इतने साल कर के हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हम बहुत हम कठोर हो जाते हैं कभी कभी, बट इट्स गुड शी इज नाउ कमिंग एंड शी इज लाइक क्रिएटेड अ बैलेंस। एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है एंड देन शी ऑल्सो रिमाइंड अस के देखो आई फील के एंड शी ऑल्सो लुक्स एट इट फ्रॉम अ वेरी ले पॉइंट ऑफ व्यू, sometime not in the technical sense of it, so it's nice to have her because she's like now created a balance between us. Yeah. Because मुझे हमेशा लगता है कि dance definitely a technical है form, लेकिन it's a form of expression. और मेरे लिए शायद technically मैं कभी भी dancer trained नहीं रही हूँ, लेकिन और हमारी फिल्मों में भी आप देखो हम scenes बताते हैं उसमें it's expression, तो मेरे लिए वो जो emotion feel करना है expression बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू योर डांस एंड दैट्स द आर्ट फॉर्म। सो कई बार लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन इमोशन उस तरह से मिक्स नहीं कर पाते एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दैट एड्स द सोल टू द परफॉर्मेंस। She has added soul to the panel actually. Last question. You know, well, this time we are going to see from Sonali ma'am entertainment and emotions. How are you going to see that? Like entertainment, kis tarike se aap sabhi contestants like she said ki how prepared you are. For me to see? Yeah. In the sense I didn't understand that. Nahin, aap kitni prepared hai is cheez ke liye kyunki aap pehli baar you know a dance reality show well I must say ki jo bhi bachcho ke shows humne kiye usme bhi bahut acche dancers hua karte the, so it's the level was always amazing of the you know India ki ye khasiyat hai jo talent aata hai wo itna amazing hota hai you cannot this thing it, so it's not like you know it's not been done before aur itne saalon se one has been looking at it and mujhe hamesha lagta hai ki even bachcho ke time pe jab hum bola karte the I agree with what Geeta said and Terence said ki gaon se kasbon se you know jo bacche aate hain jis tarah ka talent hai unko ye jo opportunity मिलती है वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो कहाँ पे जाएंगे इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया के बाद फिर भी वो लोग यूट्यूब पे देख के कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो जाके यू नो टीचर्स मिले वो खुद वीडियोस देख देख के खुद को सिखा रहे हैं एंड इन दैट मैं ये कहूँगी कि दोनों की नज़र इतनी पारखी है गीता और टेरेंस की कि वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर वो बोलते हैं कि यू नो ये जो आए हैं इनको अगर थोड़ा सा एक कोरियोग्राफर मिले एक टीचर मिले ना तो ये बेटर हो जाएंगे एंड इन दैट दे हैव हेल्प्ड मी अ
विजन गाइडेड मी इन दैट यू नो एंड आई लाइक दैट अबाउट इट. क्योंकि कई बार जैसे कहा शहरों में कई बार अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, वो सीख के आते हैं, और कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है लेकिन रॉ में वो टैलेंट है, वो स्पॉट करके उनको वो चांस देना, दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ द पैनल. आई थिंक देर आर सो मैनी एक्चुअली यू नो रिलीज टेक्निक कंटेम्प्रेरी में बहुत मशहूर है एंड ऑल्सो लॉट ऑफ डांसर्स आर मिक्सिंग हिप हॉप एंड कंटेम्प्रेरी टुगेदर, तो एक अलग ही फॉर्म दिखाई दे रहा है. लॉट ऑफ क्लासिकल डांसर्स आर वर्किंग विथ कंटेम्प्रेरी क्लासिकल टेक्निक्स. एक बंदा आया है शिवांशु जो कथक करता है, लेकिन उसका कथक का स्टाइल इतना यूनिक है एंड उसने मतलब ही इज ट्रांसफॉर्मिंग जो कॉन्सेप्ट है ना कथक का, वो है उसके अंदर. यू कैन मेक आउट कि ये कथक डांसर है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ और जिस प्रिसिशन के साथ वो म्यूजिक के साथ खेलता है, इट्स जस्ट अमेजिंग. देयर इज आल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेसिंग, देयर इज वॉकिंग, देयर इज वोगिंग, अ लॉट ऑफ न्यू स्टाइल्स एंड प्लस अ लॉट ऑफ पीपल आर मिक्सिंग थिंग्स ना, दे आर मिक्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक कि क्या है ना कि आज की जो पीढ़ी है, द जेन ज़ीज़, दे आर सो इन्फॉर्म्ड, दे आर सो वोक, दे आर सो अवेयर of yeah. so many things and they're learning so much and I really feel ki this is a great generation because they have the information. Hamare zamane mein hamara teacher bhagwan tha, aisa nahi hai abhi bhagwan bahut sare hain, jaise hamare desh mein bahut sare bhagwan hain 30 crore, waise hi acche acche dance teachers hain. And you know ek restriction hua karta tha and now it's like no, I can learn from all teachers and I can get the best from all everybody and their approach is becoming multi approach, multidisciplinary. जो हमने गुरु से सीखा है, जो मेरे टीचर सिखाते वही कर रहे हैं. नहीं, आजकल के बच्चे, जब मैं भी कोरियोग्राफ करता हूँ उनके साथ, तो सर ये यहाँ से यहाँ जा सकते क्या? सो कॉन्फिडेंट. एक जमाना था कि ना सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, अब तो बिना पूछे ही लोग बोलते हैं कि सर ये करते हैं. एंड आई लव दैट कॉन्फिडेंस. यस, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू एनकरेज दिस, सो इट्स ग्रेट. आई थिंक इट्स ग्रेट. लुक लाइक टेरेंस सेड जस्ट नाउ कि इतना सब कुछ ओपन है इनके लिए, इनके विजुअल्स इतने खुल गए हैं, इनके तरीके सीखने के इतने बढ़ गए हैं, सो एवरी टाइम दे आर एक्सपेरिमेंटिंग वी गेट टू सी समथिंग न्यू. एंड अब जो कोरियोग्राफर्स आ गए हैं ऑन बोर्ड शो पे, उनके लिए भी इट्स अ चैलेंज बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट trying and doing something new with their choreography. तो मेरे लिए हर दिन कुछ नया ही, in fact मैं पहली बार auditions में इतना सब कुछ नया देख रही हूँ and it actually forces me to go home and do homework. क्योंकि पहली बार हो रहा है कि you know कुछ चीज़ें नई हैं and technically probably you can say things about it but there's something so unique about it. तो आप क्या मतलब क्या ही बोलोगे अगर आपने रिसर्च और होमवर्क नहीं किया. सो दैट्स वॉट दिस सीजन इज डूइंग. घर भेज के हम होमवर्क करने लग गए बट इट फील्स रियली नाइस बिकॉज इट्स ऑल्सो रिफ्रेशिंग टू सी समथिंग न्यू. सो लास्ट ये शो कब आ रहा है और कब देखने मिलेगा? 8th of April. 8th April, Saturday, Sunday. And only on 8 बजे. 8 बजे. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.